दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों BCCI सचिव जय शाह के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग IPL का अगला सीजन भारत में खेला जाएगा। इसके अलावा शाह ने दो नई फ्रेंचाइजी लखनऊ और अहमदाबाद का भी स्वागत किया। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण IPL 2020 का 14वां सीजन और IPL 2021 के 31 मैच संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए थे। IPL का 15वां सीजन भारत में ही होगा और नई टीमों के शामिल होने से यह और भी अधिक रोमांचक होगा। दोस्तों IPL 2022 में कुल 74 मैच होंगे, इससे पहले 8 टीमों के बीच IPL 2021 में कुल 60 मैच खेले गए थे। हमारा अगला सवाल, भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य यानी कि बेस्ट मैरीन स्टेट कौन सा राज्य बन गया है? दोस्तों 21 नवंबर को केंद्र ने रविवार को तेलंगाना के अंतर्देशीय मत्स्य पालन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, जबकि आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया। हमारा अगला सवाल, नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा 72वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों नेशनल बुक अवार्ड के 72वें संस्करण का आयोजन नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा एक आभासी कार्यक्रम के रूप में किया गया था। जैसन मोट ने अपने उपन्यास हेल ऑफ ए बुक के लिए कथा साहित्य के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है, जो एक पुस्तक दौरे में यात्रा करते समय एक काले लेखक के साहसिक कार्य के बारे में एक कथा है। हमारा अगला सवाल, बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर को भारत के लिए ग्रिड कनेक्टेड कम्युनिटी स्टोरेज सिस्टम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर को भारत के पहले ग्रिड कनेक्टेड कम्युनिटी स्टोरेज सिस्टम के लिए एशियन पावर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला सवाल, SBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने अपनी शोध रिपोर्ट इकोरैप में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास दर 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। हमारा अगला सवाल, युगांडा के किस धावक ने लिस्बन हाफ मैराथन को 57 मिनट और 31 सेकंड में पूरा करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों युगांडा के जैकब किप्लिमो ने रविवार को विश्व एथलेटिक्स लेवल रोड रेस लिस्बन हाफ मैराथन में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों जैकब किप्लिमो ने 57 मिनट और 31 सेकंड का समय लेकर पिछले विश्व रिकॉर्ड को 2 मिनट से अधिक समय तक तोड़ दिया है। पिछला विश्व रिकॉर्ड केनिया के कांडी ने पिछले साल वेल्सिया में बनाया था। हमारा अगला सवाल, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अपने देश की अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने के लिए किसकी स्थापना करने की घोषणा की है? दोस्तों अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने यह घोषणा किया है कि देश दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बना रहा है। नए शहर को ला यूनियन के पूर्वी क्षेत्र में विकसित करने की योजना है और शुरुआत में बिटकॉइन समर्थी बॉन्ड्स द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। हमारा अगला सवाल, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण कर लिया है? दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी ने संभाला है। हमारा अगला सवाल, दिल्ली सरकार ने किस वर्ष तक यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की है? दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2025 तक यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की है। इस कार्य योजना में नए STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, मौजूदा STP की क्षमता को बढ़ाना शामिल है। दिल्ली सरकार ने हर घर को सीवर नेटवर्क से जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा है, इसमें औद्योगिक कचरे को हटाने का भी प्रस्ताव है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने IIT गुवाहाटी में किस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है? दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गुवाहाटी में अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया। उन्होंने NEP 2020 के कार्यान्वयन पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस मौके पर असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू भी मौजूद थे। IIT गुवाहाटी ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणालियों में उत्कृष्ट रैंकिंग हासिल की है। दोस्तों जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।